लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आए अभी मुश्किल से एक महीना भी नहीं हुआ है और नए नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं। एक सवाल जो काफी ट्रेंड हो रहा है वो ये कि क्या आरएसएस और बीजेपी के बीच सब ठीक है या नहीं, क्योंकि एक के बाद एक आरएसएस की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट्स आ रही हैं जिससे लोग ये सवाल करने के लिए मजबूर हो गए हैं कि क्या आरएसएस और बीजेपी के बीच सब ठीक है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर आरएसएस की तरफ से ऐसा क्या क्या कहा जा रहा है जिससे लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि देश की राजनीति में अब कुछ बदलाव आने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के हालिया बयान से। इंद्रेश कुमार 13 जून को जयपुर में राम रथ अयोध्या यात्रा पूजन समारोह में बोल रहे थे। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने लोकसभा चुनाव के जो रिजल्ट्स आए हैं उन पर टिप्पणी की। उन्होंने एक तरफ बीजेपी को अहंकारी और दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक को राम विरोधी बताया। उन्होंने बीजेपी के लिए कहा कि इन्होंने राम की भक्ति की लेकिन अहंकार आ गया, इसलिए सबसे बड़ी पार्टी तो बनी लेकिन जितनी ताकत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर किसी पार्टी का नाम नहीं लिया लेकिन उनका इशारा सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर ही था। सत्ताधारी बीजेपी के बारे में इंद्रेश कुमार ने कहा, लोकतंत्र में राम राज्य का विधान देखिए, जिन्होंने राम की भक्ति की लेकिन अहंकारी हो गए, उसे 241 पर रोक दिया, सबसे बड़ी पार्टी बना दिया लेकिन जो वोट और ताकत मिलनी चाहिए थी वो भगवान ने अहंकार के कारण रोक दी। आगे उन्होंने इंडिया ब्लॉक का भी जिक्र किया और जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, जिनकी राम में कोई आस्था नहीं थी उन्हें एक साथ 234 पर रोक दिया, जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को सत्ता नहीं दी गई, यहाँ तक कि उन सभी को एक साथ नंबर दो बना दिया गया। भगवान का न्याय सच्चा और आनंददायक है। उन्होंने आगे कहा कि जो राम की पूजा करते हैं उन्हें विनम्र होना चाहिए और जो राम का विरोध करते हैं भगवान खुद उनसे निपटते हैं। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के बीजेपी और इंडिया ब्लॉक पर तंज कसे जाने के बाद सियासत गरमानी तय थी। बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता नितिन नवीन का बयान आया। नितिन नवीन ने कहा, बीजेपी ने कभी भी राम के नाम को राजनीति से नहीं जोड़ा है, देश के सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए राम जी को स्थापित किए जाने का काम किया है। उनका यानी कि इंद्रेश कुमार का संदर्भ क्या है हम उस पर ज्यादा कमेंट्स नहीं करेंगे, लेकिन लोगों ने सांस्कृतिक विरासत को स्थापित किया है। अब एक के बाद एक बयान आए जा रहे हैं तो जेडीयू कहां पीछे रहने वाली है। बिहार में एनडीए के सहयोगी जेडीयू ने भी प्रतिक्रिया दी है और आजकल जेडीयू के हर एक रिएक्शन पर नजर रखी जा रही है, ना जाने कब किस स्टेटमेंट का क्या रिएक्शन निकल जाए। जेडीयू नेता खालिद अनवर ने कहा, आरएसएस को ये सब बयान नहीं देना चाहिए, इंद्रेश कुमार आरएसएस के बड़े नेता है, इनके ऊपर आतंकवाद और ट्रेन ब्लास्ट के आरोप थे, जब बीजेपी की सरकार आई तो इनको मुक्ति मिली, इन लोगों को ये सब बयान नहीं देना चाहिए, बीजेपी का अगर बुरा हाल हुआ है तो इस पर बीजेपी मंथन करेगी। इससे पहले आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भी चुनाव राजनीति और राजनीतिक दलों के रवैये पर बात की थी। आरएसएस के मोहन भागवत ने मणिपुर में एक साल से जारी जातीय हिंसा पर सवाल उठाए। आरएसएस के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मणिपुर एक साल से शांति स्थापित होने का इंतजार कर रहा है, इस कंडीशन पर प्राथमिकता के साथ विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा भागवत ने लोकसभा चुनाव नतीजों पर भी टिप्पणी की, कहा कि जिस प्रकार राजनीतिक दल और नेता ने प्रचार के दौरान बातें की उससे दो समुदाय के बीच मनमुटाव बढ़ सकता है। हाल ही में पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने गुजरात के इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर बोलते हुए कहा कि चुनाव में एक संदेश है और मुझे उम्मीद है कि लोग इस संदेश को समझेंगे। एक के बाद एक ऐसे स्टेटमेंट्स आना बीजेपी के लिए चिंता का विषय बन सकता है। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले दिनों में बीजेपी और आरएसएस के बीच दूरियां और बढ़ेंगी और इसका खासा असर नेशनल पॉलिटिक्स पर पड़ेगा या नहीं, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं स्विच।